टू माय YouTube चैनल। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले, क्योंकि मैं क्रिकेट के ऊपर वीडियो डालता रहता हूँ। आप क्रिकेट के अगर बड़े फैन हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। लेकिन पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी लर्न चाइनमैन बॉलिंग वीडियो को बहुत सारे व्यूज दिए, लाइक्स दिए, जिसके दम पर मैं ये दूसरा पार्ट बना चुका। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारी एक तरकीब जिससे आप अपनी चाइना में बॉलिंग सुधार सकते हैं। ये ऐसा होता है, इसे सिंगल विकेट कहा जाता है। जब वहाँ पर कोई बैट्समैन ना खड़ा हो और उसके बाद आप वहाँ पर बॉल डालें और अपने टिप सेट करें, ठीक है। तो अब मैं आपको ये कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब अगर आपका ये बैटिंग साइड है तो ये बैटिंग साइड होगा ऐसे, ये होगी स्टम्प्स आपके। यहाँ पे आपको गुड लेंथ आप मतलब उसमें से, आप अगर क्रिकेट मैच देखते हो तो वो 6 मीटर्स पे रहता है विकेट से, तो आप उसके हिसाब से अपनी इंची टेप से लगा सकते हैं। 6 मीटर लगाइए और यहाँ पे ये 2 कोन रखिए। उसके बाद आपको एक रेड बॉल लेनी है। क्रिकेट आपकी जो ग्रिप्स हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे किस ग्रिप से डालनी चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको इनके बीच में टिप रखना है, क्योंकि गुड लेंथ एक ऐसी टिप होती है जहाँ से बैट्समैन आपको छक्का या छक्का नहीं मार सकता, वो डिफेंस करने में मजबूर हो जाता है। अगर वो मारने गया तो आपके विकेट हाथों में है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, तो मैं आप तक ये खबर ले आया। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि मैं वो कुछ दिनों में ही डाल दूंगा और उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी चाइना में बॉलिंग पे रनअप कैसे सुधार सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर ये आपको अच्छी लगे।